हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, आगे बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह टाइम है, पापा के ऑफिस जाने का टाइम है, तो अभी मम्मी जल्दी जल्दी बना रही हैं। तो मम्मी, इस कुकर में क्या है सुबह सुबह? इसमें छोला बना रही हूँ। छोला मतलब चावल चढ़ा रखती हो? सुबह सुबह चावल कभी बनता है? बना खाने वाले खाते नहीं है? आने वाले खाते हैं, सुबह टाइम रोटी ही अच्छा लगता है ना। सब्जी हो गया, रोटी हो गया, पराठा हो गया, छोला से खाने वाले कितने लोग तो लंच में चावल भी ले जाते हैं। हाँ। सुबह बताते हैं। तो मैं एक बात बताओ, आज तुम सुबह इतना जल्दी क्यों उठ गए थे 4:30 बजे? अरे उठ गए थे, काम ज्यादा था ना। तुम्हारी मौसी से भी आ रही है घूमने के लिए। हाँ। घर पर साफ करना था, सफाई करना था, पापा भी ऑफिस जाना था, इसीलिए एक काम करके तब तो किचन में आऊंगी। अभी बाकी भी है करने के लिए साफ सफाई, क्योंकि जाएंगे घूमने उमने रहेंगे 2-4 दिन। A few moments later. तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ खाना खाने। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later. तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली मेरा बुक आ चुका है 10th क्लास का, मेरा एडमिशन भी हो चुका है, तो अब मैं मंडे से जाऊँगा स्कूल। देखिए गार्जियन का सारा बुक आ गया है। सारा है ना आर्यन? हाँ सारा है, सारा देख लिया। और आर्यन अकेले ही गया था बुक लेने के लिए। पापा तो गए थे ऑफिस, पापा बोले खुद से जाओ, बड़े हो गए हो, ले आओ। सारा लेकर आया है, अब जो है इनका पढ़ाई अब मंडे से स्टार्ट। वैसे बहुत लेट हो गया है, 5-6 दिन मैं नहीं गया। हफ्ता भर भी सोमवार से जाओगे? हाँ, हफ्ता भर होगा। एडमिशन हुआ, एडमिशन हो गया, बुक आ गया, अब सोमवार से जाओ। अपना कल ही से जाओगे, वही कल तो मान है ना, इसीलिए सोमवार से जाओ। इतना महंगा बुक है देख आर्यन, अब पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा कर पढ़, अच्छा नंबर आना चाहिए बिल्कुल। हाँ अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि इतना इतना पैसा खर्च होता है, पैसा बहुत लगता है गाइस पढ़ाई में इनके। मेहनत लग रहा है, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे। हाँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा। हाँ तो यही बात है, कैसे कैसे पापा ड्यूटी करते हैं, ले आते हैं, तो इसका जो है अपमान मत करना, हमेशा ध्यान देना पढ़ाई पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ अपने सारे कॉपीज पे सारे कवर चढ़ा देता हूँ, और बुक पे भी चढ़ाना है, अभी तो बहुत ढेर सारा है। पापा तो चढ़ाते नहीं है, पापा मैं सिखा रखे हैं ना। सिखा तो मेहनत करो ना तब। तो फ्रेंड्स, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला कवर, पहले कॉपी पे कवर लगा दिया हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग आगे व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आगे तो बहुत सारी कॉपी चढ़ाना है, फिर आपको लास्ट में दिखाता हूँ। A few moments later. तो देखिए फ्रेंड्स, लाइट चला गया है, मम्मी मोमबत्ती में बना रही है खाना, और दूसरी तरफ मैंने अपना कॉपी भी चढ़ा लिया है। फ्रेंड्स देखिए, जितनी कॉपी ले जानी थी मैंने उस पर कवर चढ़ा लिया, और पर देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। अब जा रहा हूँ उसको बारी बारी सर उठा ले रहा हूँ, इसके अंदर भी हो गया है। एक तो इधर लाइट भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। मैं पूरी निकाल रही हूँ, देख लीजिए, मोमबत्ती जलाकर, लाइट क्योंकि चली गई है। A few moments later. गाइस आर्यन तो पढ़ाई कर रहा है, जो आज मैं बना रही हूँ खाली दाल और चावल, क्योंकि आज मुझे फीवर है, मुझे जाना है दवा लेने। इनके पापा आते होंगे वापिस से दवा लेकर, मुझे आ गया है बुखार,
इसीलिए मैं खाली दाल और चावल बना रही हूँ। गर्मी में अच्छा लगता है दाल चावल अचार और चटनी। देखिए मेरा दाल तैयार हो गया है, अब जा रही हूँ मैं चावल चढ़ाने के लिए, क्योंकि ना इनकी इनके पापा आते होंगे, जाना है मुझे दिखाने के लिए। गाइज आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइज। A few moments later, कंपनी से आ गए हैं, हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर बैठे हुए हैं। देखिए गाना गा रहे हैं कैसे, कितना आनंद से गाना गा रहे हैं। एक बार गाइस से बात तो कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप लोग? एक बार इनको गाना गाकर सुना दीजिए। आप गाना गा के सुना दूं? हाँ, अरे ऐसे गाइस भी तो देखेंगे कि हाँ आपका आवाज कैसा है। अच्छा। कोई भी एक कड़ी गाकर सुना दो। सुना दूं? हम्म, तो सुन देता हूँ। मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है, मेरे दिल से तेरे दिल का रिश्ता पुराना है। तो गाइस गाना अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका गाना अच्छा लगा या नहीं लगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं गाइस ये भी बताइएगा। A few moments later, तो फ्रेंड्स आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, गाइस ढेर सारा सपोर्ट करिएगा, फिर फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।